सबसे तेज खबर समस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के समस्ती जनपद के विकासखंड इकौना से है, जहां आज सुबह ग्रामीणों ने बाढ़ खंड के अधिकारियों के खिलाफ हंगामा काट दिया और ग्रामीण धरने पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मामला इकौना इलाके के राप्ती नदी के तट पर बसे कोटवा गाँव का है, जहाँ पर एक बंधे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके क्रम में बाढ़ खंड के द्वारा किसानों की भूमि को क्रय किया गया और बांध की खुदाई चालू कर दी गई। गांव में भारी तादाद में ट्रैक्टरों से खुदाई होने लगी, तभी ग्रामीणों ने वहां पर पहुंचकर हंगामा कर दिया और काम को रुकवा दिया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ खंड के ठेकेदार ने कई किसानों की कृषि योग्य भूमि को बगैर उनकी मर्जी के खोदकर पाताल बना दिया। किसानों का कहना है, जो भूमि हमने बाढ़ खंड को बैनामा किया है उसी पर खुदाई होनी चाहिए, लेकिन बाढ़ खंड के न तो कोई अधिकारी न ठेकेदार मौके पर मौजूद है। इस दौरान एक मुंशी के द्वारा किसानों के खेतों में से मिट्टी खोद डाली गई। ग्रामीणों के मना करने पर भी जब ट्रैक्टर नहीं रुके तो किसान ट्रैक्टर के सामने आ गए। किसानों के जो क्रय शुदा जमीन नहीं है उस पर भी ये लोग पूरा चक किसानों का खोद करके और बांध बना रहे हैं, जिससे किसानों की जब उपज की 1-1.5 फीट की मिट्टी निकल जाएगी तो किसानों के नीचे की यहाँ तो बालू है, सारी जमीन खराब हो जाएगी। कल हमने अधिशासी अभियंता से बात किया बाढ़ खंड के, तो उन्होंने कहा कि हम किसानों की स्वेच्छा से जमीन लेंगे, लेकिन यहाँ कोई भी किसान स्वेच्छा से इन्हें जमीन नहीं दे रहा है। किसानों के खेत पर जबरदस्ती इनके द्वारा अवैध खनन करी जा रही है। SDM साहब से भी कल हमने इस बात को अवगत कराया था कि किसानों के साथ जो जबरदस्ती न करी जाए, बांध निर्माण कार्य प्रस्तावित है तो बांध बनाया जाए, लेकिन उस पे जो सरकारी नियम और मानक हैं वो नियम और मानक के अनुरूप कार्य किया जाए, किसानों से जबरदस्ती या उनका उत्पीड़न करके कोई कार्यवाही नहीं की जाए। आज हम यहाँ मौके पर आए हैं, स्थिति बहुत ही भयावह है और अगर जिला प्रशासन इसको तत्काल संज्ञान नहीं ले रहा है तो भारतीय किसान बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। हम हिंसा का रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहते, लेकिन हम इतने अहिंसक भी नहीं है कि हम जबरदस्ती अपने खेत पर कब्जा हो जाने देंगे। हम इनको रास्ता नहीं रोकते, लेकिन हमारे किसान के खेत में अगर किसान की मर्जी नहीं है तो हम इनको घुसने नहीं देंगे। हमारे किसान, हमारी 1-1 फीट की मिट्टी, 1-1 मिट्टी हमारी उपजाऊ है और उस मिट्टी को हम इन्हें जबरदस्ती खोदने नहीं देंगे। आपके माध्यम से जिला प्रशासन से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि प्रकरण को तत्काल संज्ञान लिया जाए। आंगणन के अनुसार, इस्टीमेट के अनुसार, सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जिस तरह से बांध प्रस्तावित है वो यहाँ पर गाँव पे लाया जाए, उसको दिखाया जाए और उस हिसाब से बांध का निर्माण कराया जाए। लगभग कितने ट्रैक्टर चल रहे हैं यहाँ पे? सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर यहाँ जबरदस्ती किसानों पर भय और आतंक का माहौल बनाया जा रहा है। किसानों को बताया जा रहा है कि तुम्हें जेल की सलाखों में डाल देंगे और हम जबरदस्ती बांध का निर्माण कराएंगे। अरे ये हिंदुस्तान है, योगी बाबा की सरकार इसीलिए बनी है, किसानों ने इसीलिए योगी और मोदी की सरकार बनाई है। किसानों का साफ कहना है कि हमने विरोध भी किया, उसके बावजूद खोदा जा रहा है, जबरदस्ती अतिक्रमण हो रहा है भैया, अवैध खनन। अगर हमारा किसान अपना घर पाटने के लिए 1 ट्राली मिट्टी खोद लेता है तो ये जिला प्रशासन अवैध खनन का मुकदमा उसके पर पंजीकृत करता है, लेकिन ये सैकड़ों की संख्या में ठेकेदार और जिला प्रशासन की साजिश से ये अवैध खनन हो रहा है और जिला प्रशासन यहाँ का मौन बैठा हुआ है। हम इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किसान की खेती को बचाने के लिए, किसान के हक और अधिकार के लिए हम अपने जान की भी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन किसान के हक और अधिकार को मरने नहीं देंगे। जय किसान, जय भारतीय किसान। अरे लड़के हैं, जिंदाबाद। 8 बीघा जमीन ने हमारे सब खोद के 4 फुट गहरा कह दिए नहीं, हमारे फसल पाद को छोड़ा नहीं, हमारा जमीन बैनामा भी ना जबरदस्ती खोदा था। आपको पैसा नहीं मिला है? पैसा नहीं मिला है, बैनामा भी नहीं हुआ। जब हम लोग बैनामा करने नोटरी बयान हल्फी बनवा करके दिए तो उन्होंने कहा कि पैसा बाद में मिलेगा। हम लोगों ने कहा कि पैसा या तो हमको चेक दे दीजिए या तो पैसा दे दीजिए, हम जमीन अपनी बैनामा कर देंगे। उन्होंने कहा जाओ मिल जाएगा पैसा। अभी तक पैसा भी नहीं मिला, खेत भी खोद गया। पैसा नहीं मिला, बैनामा भी नहीं किया हूँ, खेत चला गया, खेत भी खोद गया है। ये है कि हमारा जो जमीन सरकार ने लिया है उतना ही खोदे, हमारा खेत 3-3 फुट गहरा खोद दिए है, बोरिंग भी फटा दिए और इसके बाद में उसको हमें सूचना भी नहीं दिया गया और रोकने पर भी नहीं माने और सब पूरा जमीन खोद डाले। किसने खोद डाला, क्यों खोद डाला बताइए? ये जबरदस्ती खोद डाले, हमने रोका था फिर भी नहीं माने। तो क्यों खोद रहे हैं, कहा के खोद रहे हैं? उसको बंधा बांधने के लिए, तो बंधा बांधने के लिए हमारे बच्चे कहाँ चले जाएंगे, 2-2 फुट गहरा कर देंगे तो कहाँ उसमें क्या पैदा होगा। तो आपने जमीन बेची नहीं थी अपनी? हमने जमीन थोड़ा बेचा था, हमने वो जो बंधा बांधने का वो जितना लिया था उतना बेचा था कि सारा खेत बेच दिया। तो उसमें क्या नियम था, कितना कहा गया था खोदने के लिए?
वो हमसे बोले थे एक जमीन जो आपका सहमत होगा उतना ही माटी निकाला जाएगा, मतलब आपकी शिक्षा जो आप स्वेच्छा से देंगे उतना, स्वेच्छा से जितना देंगे उतना, जितना देंगे उतना ही मिट्टी लेंगे, अब उससे ज्यादा निकाला जा रहा है, ज्यादा नहीं निकाला, अब उससे ज्यादा निकाला जा रहा है, हाँ उससे ज्यादा दो दो फुट गहरा कर दिया, हमने रोका भी, हमें सूचना भी नहीं दिया गया, हमारा दो बोरिंग था, दोनों बोरिंग क्या बोलते हैं पाट दिया उसने, हमें सूचना तो देना चाहिए। क्या दिक्कत है? दिक्कत है बाबूजी, कहा जा था तब कहा था हिम तू का पाट दे बतौर हाथ को उतना ही बर्बाद का कहा थे का मना कर थे मना कही थे कि मान ना पाटे खोद कर खेत ना खोदे तब का कहीं तब कहीं कि तू का हिम पाट दे हमारे लोगन खेत नहीं बैनामा है जेके बैनामा खोदा है और हमारे लोगन बैनामा नहीं है बैनामा है तीके खोदा हमरा मराई बैनामा हम कस्ता खोदे हैं कहाँ चले जाओ जी मराई बैनामा देखा मारी नहीं और ताल कहीं। इसके घंटों बाद बाढ़ खंड के जूनियर इंजीनियर मौके पर पहुंचे और उन्होंने सर्वे किया तो पाया कि किसानों की सहमत के बगैर भूमि को खोदा गया है। खुदाई के दौरान न कोई बाढ़ खंड का अधिकारी न ठेकेदार उपस्थित मिला। ग्रामीण गांव में धरना देकर बैठे रहे। जब तक खोदी गई मिट्टी वापस नहीं पार दी जाती तब तक धरना जारी रहेगा। मांग हमारी पूरी हो, जय राम पूरी हो, वी वांट जस्टिस। वहीं कटवा गांव के प्राथमिक विद्यालय के बगल मिट्टी खोद कर पाताल बना दिया गया है जो भविष्य में स्कूली बच्चों के लिए बड़ा खतरा भी हो सकता है। यहाँ पर स्कूली बच्चे डूब भी सकते हैं, ऐसे में प्रशासन को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है कि आपके ठेकेदारों ने सैकड़ों बीघा कृषि योग्य भूमि को खोद डाला है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग ग्रामीण धरने पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ठेकेदार है, ठेकेदार जो बंधा बना रहा है, उसका ये है कि वो ग्रामीणों से मिल करके और उसकी सहमति लेकर के मिट्टी लेके बंधा बनाए। अच्छा, सहमति अगर होती तो इतना विरोध क्यों हो रहा है? तो सहमति नहीं है, मैं अभी ठेकेदार को बुला करके उससे बात करता हूँ। तो जिनका गलती किसके द्वारा हुई? अभी एक महिला कह रही थी कि उसने जब रोका कि हमारे खेत में खोदी है उसको का, तो वो तो खैर कुछ नहीं है कि क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा आदमी, लेकिन ये है कि यदि उसने ठेकेदार ने बिना किसी किसान के अनुमति के ये काम किया है या 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा खोद दिया है 1.5 फुट से, तो गलत खोदा है उससे ये बात हुई। मतलब जो मानक है उसमें 1.5 फुट खोदना था? 50 सेंटीमीटर। थैंक यू। जेई साहब बता रहे हैं कि 1.5 फीट की अनुमति, कोई अनुमति नहीं है इनके पास, कोई लिखित आदेश नहीं है ना, हमको काले अक्षर में लिख के दिखा रहे हैं। हमारी किसान की जो जमीन बैनामा है उसको ये जो मर्जी करें, जो हमने बैनामा नहीं करी है उसमें हमारी मर्जी के खिलाफ ये 1 इंच मिट्टी भी नहीं उठा सकते। यहां हो रहा है। और यहाँ पे 3-3, 4-4 फीट का गड्ढा बनाया जा रहा है। किसान की जो उपजाऊ मिट्टी है वो हटा के पूरा चकचक उसका बंधे पे डाला जा रहा है। उसके नीचे बालू है, ये नदी के कटान का इलाका है, उसके नीचे बालू है। किसान रहेगा कि मर जाएगा? ये किसान को मारने की परियोजना चलाई जा रही है श्रावस्ती जनपद में। भारतीय किसान यूनियन इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमारे किसान की जितनी भी मिट्टी अवैध तरीके से खोदी गई है उसको यहाँ पे तत्काल हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको तत्काल पटवाया जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन करने के लिए भाग्य बाध्य होगी। चंद्र शर्मा, जूनियर इंजीनियर, बाढ़ खंड श्रावस्ती। अच्छा, यहाँ पर ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि किसी ठेकेदार के द्वारा उनकी कृषि योग्य भूमि को खोद डाला गया। बाढ़ खंड का कोई अधिकारी यहां पर मौजूद नहीं था, यहां तक कि ठेकेदार भी नहीं मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हम यहां मौजूद हैं, रोज यहां मिलते हैं, तो कैसे ये कह दे कि कोई मौजूद नहीं रहता है? अभी जब हम लोग हंगामा चल रहा था, खुदाई हो रही थी, बाढ़ खंड का कोई अधिकारी नहीं था। आप जो है आ जाए है ना,
हम लोग इसके शुरू से जमीन को क्रय कराने के लिए, इसके सर्वे कराने के लिए, इसके सारे कार्य करने के लिए यहाँ बड़ी तत्परता से कार्य हो रहे हैं। जैसा आप बताइए, यहाँ पर क्या करवाया जा रहा है आपके द्वारा? यहाँ जो बंधे का निर्माण हो रहा है, जो प्रस्तावित बंधा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से कि जनपद श्रावस्ती को बाढ़ से बचाव कराने के लिए जो तमाम गांवों को परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए समयबद्ध तरीके से समय से काम करा लिए जाए और किसी को किसी प्रकार की हानि न हो। आपने देखा यहाँ पर हानि हुई कि नहीं हुई? अभी लोगों का आरोप है कि हमारा खेत खोद डाला गया, जब उन्होंने विरोध किया तो बताया गया इसमें दबा दिया जाएगा, ये सब आपसे नहीं कहा गया? नहीं, हमसे नहीं कहा गया। और खोदा गया है वो है सही है कि गलत है? नहीं, खुदाई हुई है, बिना खुदाई हुए बंधा कैसे बनेगा? तो इस तरह खुदाई होगी जिसका जो बैनामा भी नहीं उसकी भी जमीन नहीं, ये आपसी समझौते के आधार पर होगा, इन लोगों सबसे तालमेल बैठा करके अपने एक सिस्टम से करेंगे। मतलब ठेकेदार की गलती है ही नहीं है, आपको क्या लगा? अब ठेकेदार यहाँ मौजूद रहे, जिसको जो परेशानी हो उसकी समस्या दूर करे और उसको अपना उनसे मिट्टी मांग ले, जो मिट्टी देते हैं जितना देते हैं उतना ले लें।